भाटी साहब आप तो वकील हैं, बॉडी शेमिंग क्या होती है ये तो पता होगा ना आपको? बॉडी शेमिंग क्या होती है? एक मिनट प्लीज, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा जी। मैं जानता हूँ, ये नहीं जानती, इन्होंने बोल दिया। अब इनके लिए अब सब बोले जा रहे हैं कि इनकी मर्दानगी को चेक कर दिए, ये कीजिए, क्या मतलब मेरे क्लाइंट जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। मैसू झिंगुर बोला गया और सीमा ऐदर का ये आरोप है कि कई इंटरव्यूज में और भी बहुत कुछ बोला गया, आप शब्द भी कहे गए जी। आप किसी शख्स को इस तरह से उसकी बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, अलाउड है? मैं कह रहा हूं सर, एक नॉर्मल वे में गांव में बोल देते हैं, ऐसा नहीं कोई गाली गलौच नहीं की गई इसमें, कोई मतलब कोई गाली दे दी है उल्टा सीधे शब्द बोल दिए गए। आपने आपने एक लड़के के सम्मान को ठेस पहुंचाई ना, एक बार बोल सकते हैं? ये तो बहस का भी थी, एक लड़के के सम्मान को ठेस पहुंचाई, सम्मान को, अगर अगर सचिन के सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, आप जाइए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके लिए लड़ा, इसमें बहस का मुद्दा ही नहीं है, उसमें बहस का मुद्दा ही, भेजे नोटिस, बहस करने का मुद्दा, वकील साहब क्यों नोटिस भेज रहे हैं? अभी तक कोई नोटिस ही नहीं मिला है हमें, भेजे नोटिस। अच्छा, उसका कानूनी तरीके से जवाब देंगे? सीमा ऐदर आप कह रही है कि कानूनी रास्ता हम अख्तियार कर रहे हैं, ये कह रही है मिथिलेश और के वकील की नोटिस तो मिला ही नहीं है? वो हमारे वकील साहब देख रहे हैं खुद, वकील साहब से बड़े वकील साहब देख रहे हैं वो खुद, इस सवाल का वकील साहब जवाब देंगे सर। वकील साहब जवाब दीजिए, एपी सिंह साहब, कानूनी नोटिस ही नहीं भेजा आपने अभी तक? और केवल इतने नहीं है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया है और देख लेना क्या क्या कहा गया। आप नेशनल चैनल पे आपने बात की ना, अब सुनने को तैयार होजिए। हाँ। क्या कहा गया? सीमा सचिन को कैसे कर सकता है, कैसे हो सकती है, सचिन कैसे कर सकता है, ये शब्द, पूछ कटी छिपकली, प्यार करने के लिए आदमी तो होना चाहिए, ना शक्ल ना सूरत, क्या गरीब प्यार नहीं करेंगे? हाँ। आदमी नहीं सचिन दिख रहा है क्या? आप जानवरों से बात कर रहे हैं क्या? जानवरों से जुड़े हुए हैं ये शब्द? झिंगुर इतना मसल दे उड़े जाके, गिर जाए पता भी ना चले, कितनी दूर गिरे जाके पता, हवा में उड़ जाए, ये शब्दों की ऐसे अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। आप किसी पुरुष के पौरुषत्व पर सवाल उठा रहे हैं? आपने उसका क्या टेस्ट करवाया? क्या टेस्ट आपने करवाया उसकी? क्या क्या जो पौरुषत्व के टेस्ट हैं वो आपने कराए? क्या आपने उसके स्पर्म टेस्ट कराए? आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है। आपने उसकी पोटेंसी टेस्ट कराई क्या? आपके पास पोटेंसी रिपोर्ट है? अल्फाजों में भी कर सकते हैं, थोड़ी है जी, बहुत डिटेल में, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, गंभीरता है। गीता भाटी जी, और गीता भाटी जी ने आपकी सारी बातें सुनी, गीता जी जवाब दीजिए, वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ये मामला तो फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। आपकी बात को सुन के बिल्कुल बिल्कुल अमर्यादित शब्द हैं ये। मेरे बड़े भाई से मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं कोई टिप्पणी पहली तो समाज पे नहीं कीगी, दूसरी बात कोई अमर्यादित ऐसा शब्द नहीं बोला। जैसे अब आप एक बात बताइए, मैंने भी पूछा मोटी, मैं आपके उस पर चैनल पे बोल रही हूँ, कलुए ठिंगनी टून टून चार फिटी क्या, ये क्या है और क्या होता है मुझे बताइए, मेरे पास सबूत है। ये एक मिनट, ये तो गांव की गंवार महिला थी, किसने बोला ये? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महोदय की वीडियो शुरू किया, जब कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने बोला, सबसे पहले किसने बोला, क्यों बोला, बड़े भैया इनको टेस्ट पर सवाल उठाए गए, फिर वही मामला हो गया ना, और सत्य पर सवाल उठाए गए, वही मामला हो गया। और एक आदर्श तय करना, गीता जी सुन एक सेकंड बस, एक आदर्श तय करना कि इस पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं भाग के आए और यहाँ एग्जांपल सेट करो, हिंदुस्तान की बेटियों को मरवा देना। नहीं ये 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 आपने कैसे निष्कर्ष निकाला, आपने कैसे निष्कर्ष लड़ा ना? नहीं, और गीता जी, गीता जी आपने आपने जो बातें की, आपने जो बातें की, महिला हमारे सामने, आपके सामने हमें अपमानित करे, इस देश की नारियों को अपमानित करे, और ऊपर से आप इसे डिफेंड करें, आप केस में डिफेंड करें, अच्छा लगता है? एक मिनट गीता जी आपकी बात हो गई, सुनिए आपकी बात मैंने सुनी, गीता जी आपकी बात मैंने सुनी। आप आरोप तो लगा रही हैं सीमा पर,
लेकिन जब अपने खिलाफ कही गई बातें या समाज के खिलाफ कही गई बातों का जिक्र करती हैं तो एपी सिंह का नाम लेती हैं। ऐसा नहीं है, सीमा हैदर ने आपके खिलाफ एक लफ्ज कहा क्या? किसके हैं? सीमा के खिलाफ? सीमा हैदर पर आपके आरोप थे ना? आपको दिया जाएगा, कहा जा रहा है सीमा और सचिन को कहा जा रहा है ना? आप सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। एपी सिंह ने पुराने जवाब दिया है, क्या नहीं कहा ये मुद्दा ही नहीं है। कानूनी कार्रवाई की है, धमकी नहीं है और एपी सिंह ने पहले क्या कहा अब क्या कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। सीमा हैदर आप बोला है सीमा हैदर को पहली बार माफी मांग के खड़े हो ना? ठीक है, अभी वो रिपोर्ट रोकी गई है, इतनी बार कैंसिल ना है, तसल्ली मारो बेटा, माफी मांगेगा, रुक जाओ। तो सीमा से क्या चाहती हैं आप? एपी सिंह के पुराने बयानों पर जवाब सीमा थोड़ी देंगी? सचिन देगा, सीमा देगी, सचिन को बोला गया ना, सीमा बताइए, सीमा भी देगी, सीमा ठीक है, इन्होंने धमकी दी, ठीक है, इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, ठीक है, इनका अब आप ये शिकायत मत कीजिएगा कि आपको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, आपने इतने देर तक बोला। आप सीमा को सुनिएगा, सीमा जवाब दीजिए। जी जी सर, किस बात का सर? कह रही हैं कि तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल तो इनके लिए भी किया गया कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, ये ऐसी हैं, वो वैसी हैं। अब उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे लगता नहीं। सर हमने इनके लिए कोई शब्द गलत नहीं कहे, मैं बार बार कहूंगी, मैंने इनके लिए या इनकी बहन के लिए या इनकी माता जी आई थी उनके लिए, इन तीनों के लिए या इनके पति के लिए मैंने कोई गलत शब्द यूज ना करे, ना मैंने इनका कोई मजाक उड़ाया, ना मैंने इनको कभी कोई भी गल गाली थी। मैं इनको मैडम कह के, अब भी मैडम ही कह के बुला रही हूँ, मैडम जी मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर वकील साहब ने, वकील साहब तो वकील साहब, मतलब मुझे यकीन है कि वो गलत कुछ कहेंगे नहीं, ठीक, फिर भी आपके कहने का जवाब दिया है उन्होंने, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, जो आपने कहा उस चीज का जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि वो हमारे वकील साहब हैं, तो उन्होंने आपके कहने का जवाब दिया, ठीक। आप अगर आप ना बोलती तो ऐसा होता ही नहीं मैडम, आपने एक एक बार बोलती, दो बार, अगर आपके घर का, आपके गांव, पड़ोस के गांव का बच्चा है उसके बारे में आप तक क्यों बोल रही? मेरे से आपकी क्या दुश्मनी, मेरी आपसे क्या दुश्मनी, जब सब आके मुझे प्यार दे रहे हैं, आप दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी? सीमा, 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 सीमा जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपने नहीं कहा लेकिन एपी सिंह ने कहा, तो एपी सिंह तो आप ही के वकील हैं, तो एपी सिंह के कहे की जिम्मेदारी आप लेंगी क्या? हमारे वकील साहब ने जवाब दिया इनकी बातों का। एक सेकंड बोलने तो दीजिए। जी जी, हमारे वकील साहब ने इनकी बातों का जवाब दिया है, ठीक है, मैं तो यही कहती हूँ, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, इनकी बातों का जवाब दिया है, और जवाब देना जरूरी था, क्योंकि ये मैडम तरह की बातें करे, सर हम शायद इनपे केस करते ही ना, अगर एक दो दिन ये बोल के चुप हो जाती, महीना हफ्ता भी बोलती कोई मसला नहीं था, डेढ़ महीना पूरा बोल रही और हंस हंस के, कौन सी औरत एक औरत का मजाक उड़ाएगी हंस हंस के, कौन सी माँ अपने बेटे का मजाक उड़ाएगी हंस हंस के? मैंने, मेरे पास उनकी वीडियो सारी पड़ी है सर, इस तरह कर रही है, मरा हुआ चूहा इस तरह हाथ हिला के कह रही है, दूर फेंक दो, हवा आएगी उड़ जाएगा, तो सचिन मिलेगा भी नहीं, सचिन है कहाँ, क्यों मेरे पति के लिए ऐसे कहा, क्या खराबी है इनमें, आपको लगता है इनमें कोई खराबी है, इंसान नहीं है ये, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है, मेरे हीरो है, सबसे सुंदर है।